Hello students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and in our previous video in English class we have discussed about future indefinite tense. ठीक है, तो future indefinite tense क्या करता है, हमें future में जो होने वाली चीज़ें हैं that is going to be happen, वो चीज़ें अगर हमें express करनी है या कहनी है तो हम future simple का use करते हैं. Today we will discuss about future continuous tense. फ्यूचर और कंटिन्यूस, फ्यूचर में होने वाली चीज़ें जो कि कंटिन्यूटी में होंगी, है ना, यानी कि जो चलेंगी, निरंतर चलेंगी. कंटिन्यूस का मतलब ही क्या होता है, जो हमें कंटिन्यूटी को शो करता है. सी, फॉर समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, वो कोई चीज़ जो कि होने वाली है, व्हेन इट विल हैपन इज़ अननोन. ठीक है, अब वो कब होने वाली है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे. आई विल बी कॉलिंग यू, मैं क्या करूँगा, तुम्हें जो है कॉल करूँगा. ठीक है, अब कब करूँगा, टाइम इज़ अननोन, सुबह, शाम, रात, दिन, आज, कल, परसों, कब. ठीक है, सो दैट द थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन, बट व्हेन दैट थिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन इज़ अननोन टू अस, इन दैट सिचुएशन वी विल यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. सेकेंड सिचुएशन की हम बात करते हैं, तो फॉर एन एक्शन दैट लास्ट अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा फ्यूचर में. ठीक है, अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट मंथ बोल सकते हैं, टुमारो बोल सकते हैं, नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं, नेक्स्ट समर बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे वर्ड तो हम फ्यूचर में यूज़ करते ही हैं, बट इसने बोला है कि एक पॉइंट तक वो काम जो है वो चलेगा. ये अश्योरिटी या ये बात जब हमें कहनी होती है तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, हिज फादर विल बी वर्किंग द होल डे टुमारो, उसके पिता जो हैं वो कल पूरे दिन जो है वो क्या करेंगे, काम करेंगे. ठीक है, यानी कि वर्क में क्या है, कंटिन्यूटी है, यानी कि वो पूरे दिन जो है वो वर्क में ही लगे रहेंगे. थर्ड सिचुएशन आती है, फॉर एन एक्शन दैट हैज़ बीन प्लान्ड, जब आप कोई भी एक्शन इन फ्यूचर करने वाले हैं वो प्लान करते हैं तो आप क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं. जैसे कि दे विल बी स्पेंडिंग हॉलीडेज इन जम्मू दिस समर, अब ये उन्होंने प्लान किया है कि वो अपने जो हॉलीडेज हैं, कौन से हॉलीडेज, जो कि समर में आने वाले हॉलीडेज हैं, वो जम्मू में स्पेंड करेंगे, यानी कि वो वहाँ पर रहेंगे, घूमेंगे. और ये सारी कंटिन्यूटी जो है वो हमें फ्यूचर, ये आईएनजी लगा हुआ है, स्पेंडिंग आ रहा है, तो ये हमें फ्यूचर कंटिन्यूस के थ्रू एक्सप्रेस करने को मिलती है. ठीक है, अब आपने तीन एग्जाम्पल देखे, तीनों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी, ये और ये, यानी कि विल बी और आईएनजी. तो अगर हम अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो अब ऑब्वियस है कि फ्यूचर सिंपल में हमने विल और शैल का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स जो दिए उसमें हमने विल बी और शैल बी का यूज़ किया है. ठीक है, तो अपना फॉर्मूला फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, उसके बाद में हम लगाएंगे बी प्लस, कंटिन्यूटी को शो करनी है तो आईएनजी इज मस्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फॉर्म करते हैं सेंटेंस, सब्जेक्ट मैंने लिया ही के साथ में मैं यूज़ करूँगी विल क्योंकि सेकंड पर्सन है. बी प्लेइंग मैच, वो क्या करेगा, एक मैच जो है वो खेलेगा. अब यहाँ पर अगर मैं टुमारो लगा देती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग लगा देती हूँ, तो वो मुझे क्या करेगा, फुल्ली टाइम जो है वो शो कर देगा. तो इस तरीके से ये मेरा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, फिर इसके बाद में मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ नॉट लगाना है, ही विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच टुमारो. ठीक है, कल वो जो मैच होने वाला है उसमें वो नहीं खेलेगा. ठीक है, खेल रहा
फिर आपका आएगा आप सॉरी हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करिए, शैल या फिर विल लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर उसके बाद में बी लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और ये मेरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो विल ही, सब्जेक्ट आ गया बी प्लेइंग अ मैच टुमारो, ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा, ठीक है। अब इसी का इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला अगर अपन फॉर्म करते हैं तो विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड ये क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं करना है। ही के बाद में सीधा हमें किसको प्लेस करना है, नॉट को। विल ही नॉट बी प्लेइंग अ मैच टुमारो, क्या वो कल जो होने वाला मैच है वो नहीं खेल रहा है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है उसके फॉर्मूलाज हम फॉर्म कर सकते हैं। WH वर्ड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, वही हमें क्या करना है, WH वर्ड लिखना है, उसके बाद में जो भी आपका टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि WH वर्ड लिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब मेरी हो गई विल बी या शैल बी, फिर मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और अगर मैं इसे सेंटेंस बनाती हूँ तो व्हाट विल ही, अब इसके बाद में बी है तो यहाँ पे बी लगा दो आप, बी प्लेइंग अ मैच टुमारो, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है WH वर्ड वाले भी चीज़ें प्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। WH वर्ड में भी बहुत सारे WH वर्ड होते हैं, वैन हु वेयर, ठीक है, वाई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करनी होती है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।